चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। एसपीएमएलसी बुक्कल नवाब पर केस दर्ज हुआ है। बुक्कल नवाब के खिलाफ वजीरगंज थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। गोमती किनारे जमीन के बदले 8 करोड़ मुआवजा लेने के मामले में केस दर्ज हुआ है। इस मामले में कुछ सरकारी अफसरों पर भी केस दर्ज हुआ है। हालांकि सरकारी अफसरों पर कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने प्रमुख सचिव राजस्व से कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट 24 अप्रैल तक देने को कहा है। गोमती किनारे जमीन के बदले 8 करोड़ मुआवजा लेने के मामले में केस दर्ज हुआ है। इस मामले में कुछ सरकारी अफसरों पर भी केस दर्ज हुआ है। हालांकि सरकारी अफसरों पर कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की है। और इस वक्त हमारे संवाददाता लखनऊ से विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, ये कहें कि अब हाईकोर्ट की नाराजगी और हस्तक्षेप के बाद कम से कम उन अफसरों पर कार्रवाई हो सकेगी जो अब तक इस पूरे मामले में बचते रहे हैं। जी बिल्कुल, आज जाकर कहीं हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से प्रस्तुत वकील ने यह कहा कि बुक्कल नवाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। 420 समेत तमाम धाराओं में उनके खिलाफ वजीरगंज थाने में केस दर्ज किया गया है और अब इस मामले की इंक्वायरी होगी कि 8 करोड़ रुपए का जो उन्होंने भुगतान मुआवजे के तौर पर ले लिया था एलडीए से, वो किसने दिया था और कैसे ले लिया था। इसमें अन्य अधिकारियों के नाम भी हैं, लेकिन अधिकारियों के नाम से तो नहीं, लेकिन अज्ञात अधिकारियों के नाम से मुकदमा दर्ज है, यानी अधिकारियों पर देर सवेर गाज गिरेगी जरूर। इसके बाद आज हाईकोर्ट में भी इस मामले की चुकी पेशी थी। इस पर हाईकोर्ट ने यह कहा कि अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, इस पर जो वकील थे वो कुछ नहीं बोल पाए। उन्होंने हाईकोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल को प्रमुख सचिव राजस्व यहाँ पर पेश हो और वो बताएं कि 24 तारीख क्या नहीं, तब तक उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ इस मामले में क्या कार्रवाई की, तो रिपोर्ट लेकर के वो जाएंगे। वैसे आज ही इस घोटाले से जुड़े हुए एक व्यक्ति को, अनिल कुमार यादव को, सरकार ने सस्पेंड भी किया है। जी चलिए, शुक्रिया आपका विवेक इस जानकारी के लिए। तो सरकारी अफसरों पर कार्रवाई नहीं होने से कोर्ट आर नाराज दिखा है और इसी के चलते प्रमुख सचिव राजस्व से अफसरों पर कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट 24 अप्रैल तक मांगी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ 5 विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। राजस्व, रसद और खाद्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों का प्रेजेंटेशन सीएम देख रहे हैं। संबंधित विभाग के मंत्री और सचिव बैठक में शामिल हैं। यूपी में 20 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। मृत्युंजय कुमार नारायण को सीएम का सचिव बनाया गया है। अवनीश अवस्थी को यूपी का मुख्य सचिव बनाया गया है। अखिलेश सरकार में अहम औहदों पर तैनात रहे 8 अफसरों का तबादला किया गया है। इनमें सबसे बड़ा नाम मुख्य सचिव रहे नवनीत सहगल का है, जिन्हें फिलहाल हटा दिया गया है और उन्हें नई पोस्टिंग का इंतजार है। नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन रमा रमन भी हटाए गए हैं, उन्हें अभी नई पोस्टिंग नहीं दी गई है। गाजियाबाद अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन विजय यादव को भी हटा दिया गया। लखनऊ के कमिश्नर भुवनेश कुमार भी हटाए गए। अनीता सिंह नागरिक उड्डयन की प्रधान सचिव पद से हटा दी गयी, उन्हें भी वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। मेरठ के कमिश्नर आलोक कुमार को नोएडा अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया है। अमित मोहन प्रसाद को नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का सीईओ बनाया गया। वहीं आरपी सिंह को प्रमुख सचिव खनन बनाया गया, जबकि गुरदीप सिंह को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। डिम्पल वर्मा भी वेटिंग लिस्ट में है। वहीं अनीता मेश्राम को बाल विकास मंत्री का सचिव बनाया गया है। योगी सरकार में प्रशासनिक फेरबदल की ये शुरुआत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही कहा था कि यूपी में सुस्त और लापरवाह अफसरों की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अखिलेश की महत्वाकांक्षी समाजवादी पेंशन स्कीम को रोक दिया है। अब पात्रता की जांच के बाद ही ये स्कीम दोबारा शुरू होगी। इसके अलावा अखिलेश के बनाए साइकिल ट्रैक भी कुछ जगहों पर तोड़े जा सकते हैं। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अखिलेश यादव को रोज नया झटका मिल रहा है। योगी सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना पर रोक लगाते हुए इसमें फायदा लेने वालों की जांच कराने का फैसला किया है। इस योजना में गरीब परिवारों को 500 रुपए के पेंशन दी जाती है। सरकार को शक है कि योजना में भेदभाव हुआ है, कई ऐसे लोगों को भी फायदा मिल रहा है जो इसके पात्र नहीं है। इसी के साथ सड़कें चौड़ी करने के लिए लखनऊ और नोएडा में अखिलेश सरकार के बनाए हुए साइकिल ट्रैक भी तोड़े जा सकते हैं। कई ट्रैक मास्टर प्लान को ताक में रख कर बनाए गए थे और इनके कारण ट्रैफिक जाम के हालात बनते हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सभी योजनाओं में से समाजवादी शब्द हटाकर उनकी जगह मुख्यमंत्री शब्द जोड़ने का फैसला किया था।
यूपी में स्कूलों की मनमानी पर योगी सरकार एक्शन में है। योगी सरकार ने निजी स्कूलों से 15 दिनों के अंदर फीस का ब्यौरा और पूरा खर्च बताने का अल्टीमेटम दिया है। यूपी में जो फीस फांस अभिभावकों को खून के आंसू रुला रही थी, उसके खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। योगी ने एक्शन से मनमानी फीस वसूलने वाले स्कूलों के माथे पर टेंशन की लकीरें खींच दी है। सीएम योगी के दखल के बाद शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में वसूले जाने वाली फीस और उसके खर्च की पाई पाई का हिसाब निजी स्कूलों से मांगा है। सरकार के एक्शन के बाद अब यूपी में निजी स्कूलों को 15 दिन के अंदर फीस का पूरा ब्यौरा देना होगा। इसके अलावा स्कूलों को ये भी बताना होगा कि टीचर्स की सैलरी मेंटेनेंस पर कुल कितना खर्च होता है। सभी पेरेंट्स की सबसे बड़ी शिकायत डोनेशन और री एडमिशन चार्ज होती है, लिहाजा योगी सरकार ने एडमिशन के वक्त लिए जाने वाले डोनेशन की पूरी डिटेल यूपी के निजी स्कूलों को देने को कहा है। साथ ही री एडमिशन, क्लास प्रमोशन, मार्कशीट और सर्टिफिकेट जैसी चीजों के लिए लिए जाने वाले पैसों के बारे में भी निजी स्कूलों को पूरी डिटेल देनी होगी। सरकार के इस एक्शन से जहां अभिभावकों ने राहत की सांस ली, वहीं निजी स्कूल खासी टेंशन में हैं। तीन तलाक के मुद्दे पर योगी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं की राय जानने का फैसला किया है और इसके लिए एक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार मुस्लिम महिलाओं के बीच तीन तलाक पर जनमत संग्रह कराकर उसके नतीजे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरी कैबिनेट बैठक में संबंधित विभागों को इस पर कार्य योजना बनाकर पेश करने को कहा। यूपी की महिला कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने खास बातचीत में कहा कि राय शुमारी का मसौदा जल्द तैयार कर लिया जाएगा। हमने तो अपने संकल्प पत्र में ये कहा है कि हम विमेन की ओपिनियन लेने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने हमारे विभाग को कहा है कि कोई आप डिजाइन करिए ऐसा सिस्टम जिसमें कि मुस्लिम महिलाओं की हम ओपिनियन ले सकें और उसमें बेमानी ना हो। हमारे इस्लामी कानून का सवाल है, वहाँ पर तीन तलाक है और इस्लामी कानून में कोई चेंज जो है वो हम नहीं चाहते। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ये वादा किया था कि वो उत्तर प्रदेश की मुस्लिम महिलाओं की तीन तलाक के बारे में राय लेने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। इस वक्त एक बड़ी खबर मथुरा से आ रही है। मथुरा में जवाहर बाग कांड की जांच के लिए बनाए गए आयोग को निरस्त कर दिया गया है। मामले की जांच के लिए बनाए गए मुर्तजा जांच आयोग को निरस्त कर दिया गया है। फिलहाल मामले की जांच सीबीआई कर रही है। दरअसल मथुरा का जवाहर बाग कांड 2 जून 2016 को हुआ था और यहाँ हिंसा का तांडव मचा था और इस मौत के तांडव में पुलिस के दो अफसरों समेत कई लोगों की जानें भी चली गई थी। और इस वक्त हमारे संवाददाता लखनऊ से विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, जो आयोग बनाया गया था उसे निरस्त कर दिया गया है, क्या वजह बताई जा रही है इसके पीछे? देखिए, मथुरा की घटना के बाद इम्तियाज मुर्तजा रिटायर्ड जस्टिस है हाईकोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग अखिलेश यादव ने बनाया था और ये कहा था कि 2 महीने में इसकी जांच रिपोर्ट सौंपी जाए, लेकिन वो खिंचते उसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2017 हो गई, लेकिन जांच आयोग तब भी अपनी कार्रवाई पूरी नहीं कर पाया था। इस बीच हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाली गई जिसमें हाईकोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। आज सरकार ने उस जांच आयोग को, जो अखिलेश सरकार ने बनाया था, उसको गैर जरूरी मानते हुए उसको निरस्त कर दिया है, यानी अब उसके पास कोई काम नहीं है और मामले की जो सीबीआई जांच हो रही है अब सरकार को उसी पर यकीन है कि सीबीआई अपना काम करेगी और उसकी जो जांच रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। जी चलिए, शुक्रिया आपका विवेक इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। यूपी में सीएम आवास के बाहर जनता दरबार के लिए इकट्ठा हुए लोगों के बीच भगदड़ मच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर गुहार लेकर काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। सीएम आवास के बाहर सुबह 5 बजे से ही लोगों की लाइन लगनी शुरू हो गई थी। सुबह 8 बजे के बाद जैसे ही सीएम आवास के अंदर ले जाने के लिए गेट खोला गया, फरियादियों में आगे निकलने की होड़ मच गई। इस अफरा तफरी के बीच कुछ फरियादी जमीन पर गिर गए। लोग 5 बजे से यहाँ पे बैठे हुए थे और काफी देर तक यहाँ पे रहे, तो 8:15 बजे के करीब यहाँ से निकाला गया, तो काफी भगदड़ थी। कुछ लोग गिरे भी हैं, चोट भी लगी है कुछ लोगों को। भगदड़ के बीच कुछ महिलाएं और दिव्यांग भी गिर पड़े, लेकिन सीएम तक अपनी फरियाद पहुँचाने की जल्दबाजी में लोगों ने इन्हें उठाने की जहमत तक नहीं उठाई। भगदड़ हुई कुछ महिलाएं तो जो गिर गई वह उठ नहीं पाई, जो बेचारी बूढ़ी औरतें थी मैं एक बार गिर गई तो उन्हें कोई उठाने वाला भी नहीं दिखा कि वो उन्हें ये दिखा कि मुख्यमंत्री से मिलना तो मिलना जाकर, वो कोई महिलाओं को उठाने वाला नहीं मिला। हालांकि हालात को तुरंत काबू कर लिया गया, लेकिन कुछ लोगों को चोटें भी आई। सीएम के जनता दरबार में फरियादियों की बढ़ती भीड़ पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई है।
ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के राजनीतिक हमलों के बीच एक बार फिर चुनाव आयोग ने दावा किया है कि ऐसे आरोप बेबुनियाद हैं। इलेक्शन कमीशन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मई के पहले हफ्ते में ईवीएम से छेड़छाड़ साबित करने की चुनौती देगा। ये चैलेंज 10 दिनों का होगा और इस दौरान ईवीएम में 3 से 4 स्तर पर टैंपरिंग करने की खुली चुनौती होगी। यही नहीं, चुनाव आयोग ईवीएम खोलकर भी उसमें छेड़छाड़ करने की चुनौती दे सकता है। चुनाव आयोग का दावा है कि 2009 में ईवीएम पर सवाल उठे थे, लेकिन कोई इसे साबित नहीं कर पाया। जानकारी के मुताबिक आयोग राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को इस ओपन चैलेंज में बुलाएगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के जानकार लोगों को भी बुलाया जाएगा। इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की बात कही थी। मायावती इस मुद्दे को लेकर कोर्ट भी गई हैं। बीएसपी के अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी ईवीएम से छेड़छाड़ के मुद्दे को जोर शोर से उठाती रही है। सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम रोज की सुबह तय करने की तैयारी कर ली है। इसकी शुरुआत 5 शहरों से होगी। आसान शब्दों में समझें तो जरूरी नहीं कि आज सुबह आपने जिस कीमत पर पेट्रोल भरवाया हो कल सुबह भी वही कीमत का मिले। कल कीमत बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल की डेली डायनेमिक प्राइसिंग यानी रोज सुबह कीमतें तय करने का फैसला 1 मई से लागू करने जा रही है। फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट है जो 5 शहरों में शुरू होगा। नतीजा देखने के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। फिलहाल तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल कीमतों की समीक्षा हर 15 दिन के अंतर पर करेगी। पायलट प्रोजेक्ट 1 महीने से चंडीगढ़, उदयपुर, जमशेदपुर, पुडुचेरी और विशाखापट्टनम से शुरू होगा। हर 15 दिन में जो सरकार या तेल कंपनियां, बेसिकली तेल कंपनियां जो हमारा दाम चेंज करती थी, उस दाम चेंज करने के कारण उस 15 दिन के अंदर जो भी घटोती या बढ़ोतरी होती थी वो कंपनीज को बेयर करनी पड़ती थी। वो जो अब इकट्ठा हो जाता था पैसा, उसके कारण जो है ना तो वो जो 15 दिन का लॉस है उसको रिकवरी कर पाते थे और ना ही जो प्रॉफिट है वो कस्टमर को दे पाते थे। मुझे लगता है कि ये कॉल लेना, ये जो डिसीजन और ये लेना अच्छा रहेगा कि इसको डेली बेसिस पर कर दिया जाए, क्योंकि जब डेली बेसिस पर करेंगे तो इसका जो 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 वॉल्यूम है, जो इसका जो दायरा है, जो इसका इम्पैक्ट है, वो कम पड़ेगा। चुने गए इन 5 शहरों में 3 प्रमुख तेल कंपनियों के करीब 200 आउटलेट्स हैं जहां तेल कीमतें रोज सुबह तय होंगी। विपक्ष की 16 पार्टियां मिलकर ईवीएम की गड़बड़ी की शिकायत करने राष्ट्रपति के पास पहुंचती कि इससे पहले ही पूर्व कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने कांग्रेस को ऐसी सस्ती राजनीति से दूर रहने की सलाह दे दी। मोइली ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार के बहाने न ढूंढे, ये क्षेत्रीय पार्टियों की लोक लुभावनी राजनीति है, कांग्रेस को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। मोइली ने कहा कि ईवीएम का विरोध करना हार के बहाने तलाशने जैसा है। मोइली के इस बयान पर कांग्रेस ने उन्हें तलब किया। ईवीएम को लेकर फूट लेफ्ट में भी दिखी। सीपीएम नेता बृंदा करात ने कहा कि बैलेट पेपर पर लौटने की मांग बेतुकी है। Progressive step. We have to go forward. हमने डिमांड की है कि हर जगह ईवीएम के साथ पेपर ट्रेल होना चाहिए, ये हमारी मांग है। हम इस बात से सहमत नहीं है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर होना चाहिए। हालांकि वीरप्पा मोइली ने बाद में अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि उनके कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि वो बैलेट पेपर की तरफ लौटने की अपेक्षा हमें ईवीएम को हाईटेक बनाने पर ज्यादा जोर देना होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष योगेश वार्ष्णेय के बयान पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। महिला सांसदों ने सरकार पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन ने राज्यसभा में कहा कि सरकार गाय की रक्षा करने की बात करती है, उसे महिलाओं की भी सुरक्षा करनी चाहिए। दरअसल योगेश ने ऐलान किया था कि जो भी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का सिर काट कर लाएगा उसे 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। योगेश ने ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सर काट कर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम मैं दूंगा, ये योगेश वार्ष्णेय अपने मुंह से कहे। हनुमान जयंती के अवसर पर हुई लाठी चार्ज पर नाराजगी जताई थी। भारतीयों की दरिया दिली एक बार फिर देखने को मिली है। जिस भारतीय मछुआरे को पाकिस्तान ने जबरन कैदी बनाया उसी ने दरिया दिली दिखाते हुए पाकिस्तानी नौसैनिकों की जान बचा ली।
जानकारी के मुताबिक रविवार को पाकिस्तानी नौसेना की एक नाव अरब सागर में गुजरात के तट के पास तूफान में फंस गई। उस समय भारतीय मछुआरे ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पाकिस्तानी नौसैनिकों की मदद की। जिस भारतीय मछुआरे ने पाकिस्तानी नौसैनिकों की जान बचाई उसे पाकिस्तानी नौसैनिक गलती से पाकिस्तान की समुद्री सीमा में प्रवेश करने की वजह से कराची लेकर जा रहे थे। इसी दौरान पाकिस्तानी नौसेना की नाव भारतीय समुद्री सीमा में प्रवेश कर गई और उसकी नाव एक भारतीय नाव से टकरा गई। हादसे में पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी के 3 नौसैनिक समुद्र में डूब गए। तीनों की बॉडी पाकिस्तान को सौंप दी गई है। वहीं भारतीय मछुआरे की उदारता के बाद पाकिस्तान ने भारत की जब्त की गई 7 नावों और 60 मछुआरों को सोमवार देर रात रिहा कर दिया। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कितनी खतरनाक हो सकती है, ये एक बार फिर मुंबई में देखने को मिला। यहां परेल रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक शख्स घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह एक शख्स तेज रफ्तार लोकल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में फिसल गया और उसका आधा शरीर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंस गया। गनीमत ये रही कि प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी दे रहे आरपीएफ कांस्टेबल वीएस तावड़े और मनोज प्रसाद ने सही समय पर उसे खींच लिया और उसकी जान बचाई। ट्रेन के साथ कुछ दूर तक घसीटते रहने के बावजूद विनोद को मामूली चोट आई है। फिलहाल वो ठीक है। डॉक्टरों ने मामूली इलाज के बाद उसे घर जाने की परमिशन दे दी। फिसलने की वजह से वो जो है गाड़ी के नीचे जाने लगा था तो उसी वहीं पर वहाँ एक आरपीएफ कांस्टेबल मौजूद थे, उन्होंने तुरंत उसको पकड़ लिया और उसको खींच के बाहर निकाला और दूसरे कांस्टेबल जो पीछे थे वो भी दौड़ के वहाँ पर गए और उन्होंने भी उसकी मदद की और उसको बाहर निकाला, उसकी वजह से उसकी जान बच गई है। बुधवार सुबह 8 बजे परेल रेलवे स्टेशन पर हुआ ये खतरनाक एक्सीडेंट प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। भास्कर ग्रुप के चेयरमैन रमेश अग्रवाल का आज अहमदाबाद में निधन हो गया। आज सुबह 11 बजे रमेश अग्रवाल अचानक अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गिर गए थे। बाद में उन्हें अपोलो अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल में रमेश अग्रवाल का निधन हो गया। रमेश अग्रवाल के निधन के बाद जी रीजनल चैनल्स के सीईओ जगदीश चंद्रा अस्पताल पहुंचे और उन्होंने रमेश अग्रवाल के निधन पर शोक जाहिर किया। वहीं गुजरात के सीएम विजय रूपानी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने रमेश अग्रवाल की मौत पर दुख जाहिर किया। कल दोपहर रमेश अग्रवाल की अंत्येष्टि होगी और फिलहाल अंत्येष्टि का समय तय नहीं है। रमेश चंद्र अग्रवाल जी का निधन का समाचार सुनते ही बहुत दुख हुआ है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आज सीवियर अटैक से उनका देहांत हुआ है। अग्रवाल जी दिव्य भास्कर ग्रुप के तो थे लेकिन बहुत अनेक प्रवृत्ति से जुड़े हुए थे। देश भर में उनकी बहुत सारी सेवाएं भी हैं। मीडिया जगत के एक बहुत बड़ी हस्ती थी। उनके जाने से एक बड़ा शून्यावकाश भी हुआ है और दुख भी हुआ है और उनकी आत्मा को सदगति मिले ऐसी प्रार्थना करते हैं। आज सुबह गुजरात में हमारी प्रधानमंडल की मीटिंग हो रही थी, उस दौरान ही हमको ये समाचार मिले कि दिव्य भास्कर के तंत्री मालिक श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी अहमदाबाद के विजिट के लिए आए थे और सुबह एयरपोर्ट पर ही आने के वक्त ही उनको जो हार्ट अटैक हुआ उसके कारण उनका वहाँ ही निधन हो गया। वहाँ से तुरंत उनको अपोलो अस्पताल लाया गया। इधर प्रयत्न किए गए लेकिन बहुत हैवी अटैक था, इसके लिए उनका देहांत हो चुका है। पूरे मीडिया जगत को बहुत आघात हुआ है। रमेश चंद्र अग्रवाल जी मीडिया के व्यवसाय तो जुड़े हुए थे ही लेकिन सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्तियों में भी उनका बहुत रस था। ये जो हादसा है ये भास्कर परिवार के लिए क्षति है, देश के लिए क्षति है, गुजरात के लिए क्षति है। गुजरात से बहुत नज़दीक से अग्रवाल साहब जुड़े हुए थे, अखबार निकाला, अभी 5 दिन का दौरा बना के वो आए थे लेकिन विधि का विधान था कि एयरपोर्ट पे ही हार्ट अटैक हो गया। और जहाँ तक उनसे जुड़ाव का सवाल है तो राजस्थान में 18 साल पहले उन्होंने अखबार निकाला था, जयपुर आते रहते हैं, मिलना रहता था। वो एक बहुत ही सुलझे हुए और अच्छे व्यक्ति थे। उनका एक विज़न था डेवलपमेंट का, पत्रकारिता का, और मैं आशा करता हूँ कि उनके आकस्मिक निधन से जो सदमा उनके परिवार को हुआ है ईश्वर उसे सांत्वना देगा और उनका परिवार
उनके जो पुत्र हैं, जो कहा जाता है कि रमेश अग्रवाल की क्या संपत्ति है, तो कहा जाता है कि 3 पुत्र उनके जो हैं वो उनके असेट्स हैं, वो उनकी लीगेसी को, उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे और उसी विकास को, उसी पत्रकारिता को आगे भी वो जारी रखेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज ने कश्मीर को लेकर एक विवादित बयान दिया है। सोज ने घाटी में हो रहे तनाव के लिए पाकिस्तान की बजाय भारत को जिम्मेदार ठहराया है। कश्मीर के कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज के देश विरोधी बयान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कल दिल्ली में इम्प्रूविंग इंडो पाक रिलेशंस नाम के एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने कहा था कि कश्मीर में जो मौजूदा हालात और लोगों की बदहाली है वो भारत की वजह से है, न कि पाकिस्तान की वजह से। दरअसल कार्यक्रम में वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी ने पाकिस्तान को कश्मीर की अशांति और अहिंसा के लिए जिम्मेदार बताया था। वहीं बीजेपी सोज के बयान का विरोध कर रही है। क्या फर्क पड़ता है, एक छोटी बात उन्होंने कही पाकिस्तान के फायदे में, तो वो रीजनेबल लगेगा थोड़ा, करने दो, करना चाहिए लोगों को बात। ऐसी बात करो जैसे इंसान को मालूम हो जाए कि ये आदमी वन साइडेड नहीं है, दूसरे की भी आर्ग्यूमेंट सुनता है। पाकिस्तान के समर्थन करने वाले, उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, और अगर वो मानसिकता को साफ ना करते हो और अपने को हिंदुस्तान का नागरिक समझते हो, तो पहले हिंदुस्तानी, शुद्ध रूप से हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान की नीति से चलना होगा। हम हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान के गुणगान करें, ये कदापि संभव नहीं। वहीं राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी के मुताबिक कुछ लोग बेसिर पैर की बातें करते रहते हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लगातार विवाद बढ़ने के बावजूद सैफुद्दीन सोज अपने स्टैंड पर कायम है। सोज से पहले फारूक अब्दुल्ला ने भी कश्मीर पर विवादित बयान दिया था।